और अब बात करते हैं खबरों के विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे, मध्य प्रदेश के सागर से यह बड़ी खबर है, जहां एक सनसनीखेज वारदात हुई है। सागर में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। घर में मिले मां और दो बेटियों के शव, पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। पति ने ससुराल वालों को फोन कर घटना की जानकारी दी, एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या हुई है। महिला के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा है, महिला के भाई ने आरोप लगाए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के पास की घटना है। ये तस्वीर देखिए सागर की, उस परिवार के बच्चों की है जिन दो बच्चों की मौत हुई, और ये वो महिला है, इन दो बच्चों की मां है जिसकी हत्या की गई है। ट्रिपल मर्डर हुआ है। नरेश मिश्रा का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए हम। नरेश, बेहद सनसनीखेज वारदात, दो बच्चों और उनकी एक मां की, उनकी मतलब परिवार की महिला की मौत हुई है, उनकी मां की मौत हुई है। पुलिस का क्या कहना है, प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, सागर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेपाल पैलेस में मंगलवार देर रात सनसनीखेज ट्रिपल हत्याकांड की वारदात सामने आई है, जिसमें मां और उसकी दो मासूम बेटियों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नेपाल पैलेस के तीसरी मंजिल पर देर रात किचन और बेडरूम में जो मृतका महिला है वंदना पटेल 32 वर्ष, इसकी एक बेटी है 8 साल की अवनी और 3 वर्ष की बेटी अवनिका के तीनों के शव मिले हैं। और पति देर रात जब घर पहुंचा, घर के दरवाजे खोलने पर उसने देखा कि पत्नी और दोनों बच्चों की लाश मिली। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी देर रात से ही मौके पर लगातार पहुंचे हैं। आईजी, डीआईजी घटना की जांच में जुटे हैं। एफएनसी और फॉरेंसिक टीमें भी मौके पर बुलाई गई हैं। हत्याकांड की जांच की जा रही है जी। अमूमन लेकिन नरेश, इस तरह की जब घटनाएं होती है तो पारिवारिक सदस्यों पर पहला शक पुलिस का जाता है, क्योंकि बच्चों को कोई भला क्यों ही मारेगा। क्या कोई इस बारे में पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है, कोई पुराना विवाद या कोई आपसी घरेलू कोई ऐसे मतभेद रहे हो परिवार के सदस्यों के? हत्याकांड के विषय में पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। पति से भी पूछताछ की जा रही है, मृतका के जो मायके के पक्ष के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही पुलिस का यह दावा है कि हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका नरेश, जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब आपको मध्य